Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter alcohols, phenols, and ethers. And today we will solve question number six. So the question says: Give structures of the products you would expect when each of the following alcohol reacts with HCl, ZnCl2, HBr, and SOCl2. आपको यहां पर दिए हुए हैं तीन रिएजेंट्स। आपको बताना है कि जब आप इन दो एल्कोहल्स के रिएक्शन करवाएंगे इन रिएजेंट्स के साथ तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम चेक करते हैं रिएजेंट्स को जो फर्स्ट रिएजेंट आपको यहाँ पर गिवन है वो है एच सी एल एंड जेड एन सी एल टू आपको रिएजेंट्स पहचानने आने चाहिए कौन सा रिएजेंट है ये ये है आपके पास ल्यूकास रिएजेंट दिस इज ल्यूकास रिएजेंट कहा यूज करते हैं इस रिएजेंट को ये यूज किया जाता है टू डिस्टिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्स एल्कोहल्स कैसे करते हैं बेटा रिएक्शन रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक, एक एल्कोहल मान लीजिए आपने लिया आर ओ एच उसके आपने रिएक्शन करवाई एच एक्स के साथ हाइड्रोजन हेलाइट ठीक तो क्या मिलेगा आपको आपको यहाँ पर मिलता है बेटा आर एक्स एल्काइल हेलाइट एंड साथ में एच टू ओ अब यहां पर अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं एचसीएल के साथ तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्लोराइड ये जो हम टेस्ट करवा रहे हैं बेटा ल्यूका टेस्ट ये काम कैसे करता है देखो इसमें अगर आपके पास है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टार्श्री एल्कोहल तो जो टार्श्री एल्कोहल है वो क्या करते हैं इस रिएजेंट के साथ आपको देते हैं इमिडिएटली क्या टर्बिडिटी ठीक है टार्शलोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऐसा क्यों जो आपके पास अल्कोहॉल्स होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट में क्या होते हैं बेटा सोल्यूबल होते हैं लेकिन जो आपके पास बना हाइड्रोजन हेलाइड वो क्या होगा इसमें इनसोल्यूबल या फिर इसको हम क्या कहते हैं बेटा इमिसिबल इमिसिबल इन ल्यूकास रिएजेंट इस इमिसिबिलिटी की वजह से यहां पर आपको मिल जाती है टर्बिडिटी तो ल्यूकास रिएजेंट हमें समझ आया ओके okay. अब आपको बताना है कि जो दो एल्कोहॉल्स दिए हुए हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे So, पहला क्या है यहां पर फर्स्ट वन इज ब्यूटेन वन ऑल तो ये जो मैंने यहां पर पार्ट लिखा है दिस इज नॉट फर्स्ट पार्ट दिस इज फर्स्ट रिएजेंट ए राइट फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा फर्स्ट वन इज ब्यूटेन वन ऑल क्या होगा ब्यूटेन वन ऑल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू यहां पर सी एच टू एंड दिस इज ओ एच यह आपने लिखा ब्यूटेन वन ऑल इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ बेटा ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो जब आपने यहां पर रिएक्शन करवाई तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर ऐसा क्यों बेटा तो इतना सारा क्यों समझाया मैंने आपको ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एल्कोहल आपको गिवन है कैसा एल्कोहल है बेटा दिस इज अ प्राइमरी एल्कोहल यह है OH और OH जुड़ा है इस कार्बन से ये कार्बन कौन सा है प्राइमरी कार्बन राइट तो टार्चरी एल्कोहल सो इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देंगे लुकास रिएजेंट के साथ सेकेंडरी एल्कोहल्स को थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम मतलब 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर लेकिन जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर लुकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी नहीं देंगे मतलब रिएक्शन नहीं होगी रिएक्शन कब होगी अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा बेटा आपको यहां पर प्रोडक्ट मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सीएच टू सी एल लेकिन ये कब मिलेगा ये तब मिलेगा जब आप इसको हीट करेंगे रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्लियर है ये चीज फर्स्ट पार्ट समझ आया ओके okay. अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड अल्कोहल कौन सा गिवन है आपको टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल तो सबसे पहले तो इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा देखो सी एच थ्री ये कार्बन इसमें सेकेंड पोजीशन पर आपके पास लगा है मिथाइल ग्रुप एंड कितने कार्बन एटम्स की चेन है बेटा चार कार्बन एटम्स की चेन है तो ये होगा CH2 CH3 एंड यहां पर आपने लगाया OH सेकंड पोजीशन पर मिथाइल एंड सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप इसकी भी हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई ल्यूकास रिएजेंट के साथ दैट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 HCl भी कैसा होता है बेटा कंसंट्रेटेड कैसे होगी बेटा यहाँ पर रिएक्शन ये है OH ग्रुप और ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो है टर्शरी कार्बन आगे तीन कार्बन से जुड़ा है तो ये जो आपके पास अल्कोहल है ये है टार्श्रीअलोहल राइट और टार्श्रीअल्कोहल तो अच्छे से रिएक्ट कर जाएंगे इसके साथ तो क्या मिलेगा आपको आपको यहां पर मिल जाएगा ये प्रोडक्ट सी एच टू सी एच थ्री और ओ OH एच की जगह क्या जाएगा बेटा सी एल इस कंपाउंड का नाम क्या होगा दिस इज टू क्लोरो अब सेकेंड पोजिशन पर क्या आ गया है सी एल ग्रुप सो टू क्लोरो टू मिथाइल कार्बन आइटम्स की चेन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन ठीक है फर्स्ट पार्ट समझ आया हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी अभी एच सी एल जेड एन सी एल टू के साथ ओके ओके नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा नेक्स्ट पार्ट इज एच बी आर एच बी आर के साथ आपको करवानी है रिएक्शन सो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा फर्स्ट पार्ट है आपके पास ब्यूटेन वन ऑल वापस से लिखेंगे यहां पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सी एच टू एंड दिस इज ओ एच ठीक है किसके साथ करवा रहे हैं रिएक्शन एच बी आर के साथ कैसे करवाएंगे एच बी आर के साथ रिएक्शन देखो बेटा पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल तो क्या होगा सबसे पहले ये जो है एच बी आर ये होगा एच प्लस बी आर माइनस तो क्या मिला आपको यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू यहां पर ये सी एच टू एंड ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये ले, ले लेगा ये वाला H प्लस तो यहां पर आपके पास बना ये H2O और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज राइट अब क्या हुआ बेटा ऑक्सीजन कभी भी नहीं चाहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे एंड साथ में ये जो है आपके पास कार्बन इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये और भी ज्यादा होगा राइट right? अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की आपके पास अगर हम वॉटर में ले रहे हैं तो जो आई माइनस है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा देन बी आर माइनस जो कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा देन सी एल माइनस तो अगर हमने यहां पर रिएक्शन करवाई I- के साथ तो क्या होगा बेटा ये I- अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां से H2O चले जाएगा बाहर राइट लेकिन अगर हम रिएक्शन करवाए Cl- के साथ तो जब तक Cl- आकर इस पर अटैक करता उससे पहले ही क्या होगा बेटा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा एंड यहां पर बन जाएगा काबू ठीक है और कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये क्या है प्राइमरी काबोकेटाइन प्राइमरी काबोकेटाइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते तो यहां पर हो जाएगा रियरेंजमेंट और आपको मिलेगा सेकेंडरी काबोकेटाइन ठीक लेकिन अगर हम यहां पर रिएक्शन करवा रहे हैं बी आर माइनस के साथ तो क्या होगा बेटा ये हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली यहां पर रियरेंजमेंट नहीं होता बी आर माइनस अटैक करेगा यहां पर और यहां से ये यह एच टू ओ बाहर ठीक है तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू और यहां पर आ जाएगा बी आर साथ में बाहर क्या निकला बेटा वॉटर दैट इज एच टू ओ ठीक है तो आपको ये बात समझ आई कि कब आपको रीअरेंजमेंट करवाना है और कब नहीं करवाना ठीक क्लियर है ऐसा एक और क्वेश्चन आगे आएगा तो हम वहां पर देखेंगे कि हमने रीअरेंजमेंट क्यों करवाया दान चलो तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिला आपको इसका नाम लिखेंगे दिस इज वन ब्रोमो ब्यूटेन ठीक है ये था फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट देखेंगे बेटा सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपको टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 थ्री कार्बन यहां पर है CH3 थ्री ग्रुप एंड इसी पर लगा हुआ है ओ OH. एच चार कार्बन आइटम्स की चेन है तो सी एच टू सी एच थ्री किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा एच बी आर के साथ साथ में इसको थोड़ा सा हीट भी करना होता है ठीक है थोड़ा सा हीट कर देंगे तो क्या बनेगा आपके पास CH3 एस कार्बन यहां पर है CH3 एंड दिस इज सी एच टू सी एच थ्री यहां से वॉटर बाहर जाएगा बेटा ये ओ एच एंड दिस एच तो क्या मिला आपको यहां पर आ जाएगा बी आर साथ में एच टू ओ क्या बना बेटा ये नाम लिखेंगे इसका दिस इज टू ब्रोमो सेकेंड पोजिशन पर आया बी आर ग्रुप सो टू ब्रोमो टू मिथाइल फोर कार्बन आइटम्स की चेन है तो दिस इज ब्यूटेन टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन ठीक है ये वाला पार्ट समझ आया ओके okay, अब हम देखेंगे सी पार्ट क्या है बेटा सी पार्ट आपको रिएक्शन करवानी है विथ एस ओ सी एल टू याद करो हेलोल्स हेलो एंड वाले चैप्टर में पढ़ी है हमने रिएक्शन जब आप रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के विथ थाइनिल फ्लोराइड मतलब एसओ सी एल टू के साथ तो क्या मिलता है बेटा आर सी एल प्लस एसओ टू ये गैस है जो बाहर निकल जाती है एंड एच सी एल ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या है गैसियस है एस्केप कर जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा प्योर कंपाउंड कौन सा आर सी एल ठीक है सिंपल सी रिएक्शंस है तो चलो फर्स्ट पार्ट करो आपने क्या लिया ब्यूटेन ऑल ब्यूटेन वन ऑल एक्चुअली सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच इसके रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे एस ओ सी एल टू के साथ तो क्या मिल जाएगा बेटा कुछ भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ ओ OH एच की जगह पर क्या लिख देना है सी एल ये मिला आपको साथ में एस ओ टू प्लस क्या मिलेगा बेटा एच सी एल जो बना आपके पास कंपाउंड इसका नाम क्या होगा दिस इज क्लोरोब्यूटेन या फिर और प्रिसाइजली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको वन क्लोरोब्यूटेन ठीक है सिंपल सा था ओके सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है आपके पास टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल तो यहां पर ओ एच एंड दिस इज सी एच टू सी एच थ्री बनाने तो आ गए होंगे बेटा सबको है ना एस ओ सी एल टू क्या बनेगा सी एच थ्री कार्बन यहां पर सी एच थ्री एंड दिस इज सी एच टू सी एच थ्री यहां पर क्या आ गया सी एल प्लस एसओ टू बहार एंड एच सी एल भी इसका नाम क्या होगा दिस इज टू क्लोरो सेकेंड पोजिशन पर है सी एल ग्रोप सेकेंड पोजिशन पर है मिथाइल ग्रुप मतलब सी एस थ्री एंड ब्यूटेन क्योंकि चार कार्बन आइटम्स की चेन है ठीक है बात समझ आई एंड दिस इज ऑक्सीजन तो इसको हम अच्छे से कैपिटल्स में लिखेंगे दिस इज एस ओ टू ठीक है बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ आया डन ठीक चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय